हेलो लेजेंड सर, वेलकम। अरे बढ़िया सर, आप बताइए, आप कैसे हो? वैसे तो आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी याद दिलाते रहना पड़ता है थोड़ा सा। लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा सर। और बताइए क्या हालचाल, ड्यूटी में है या फिर? अरे तो अभी कब तक चलेगी आपकी ये नाइट शिफ्टिंग? अरे यार, Shock RC is coming. Enemy contact. अच्छा ऐसा है, चलिए बढ़िया है। तो ये 3 बजे शाम से रात को 11 बजे तक है, ऐसा क्या? Enemy contact. बढ़िया है सर। दांत क्यों नहीं फोड़ रहे हैं ये बताइए जरा। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। अरे सर, मी बिग फैन सर। Enemy down.
कल कहाँ घूम रहे थे इफेक्टो सर? Enemy in sight. Friendly orbital laser deployed. Friendly advanced UAV is online. हमें तो पता चला किसी ने बताया कि डेट पढ़ो। हम कहे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। हमने बोला कि अभी फेक्टो सर डेट पर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। क्या समझे किसने बताया होगा? क्या लगता है आपको किसने बोला होगा ऐसा? Friendly drone in the air. UAV online. Reloading. क्या मतलब है डार्क सर ने बोला है ऐसा? अब ये तो सर जिनके पास होते हैं वहीं बता पाते हैं। आप बताओ, आपके पास हैं आप बता सकते हो। अरे तो आप बताओगे ना। आप और सन्यासी। ओहो हो, एनिमी सेंट्री गन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सन्यासी तो ऐसे हम नहीं करते हैं। अच्छा एडस आर्मी को मिस ही करोगे सर? वो अब नहीं आने वाले। काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कभी लड़की के साथ भी जिंदगी थी इनकी, बट फिर जब लड़की के बिना हुई तो काफी बढ़िया लगने लगी। UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Friendly Shock RC is coming. UAV online. Target down. अच्छा आप नहीं फंसोगे तो तब कैसे फंस गए थे सर? We're almost there. Keep it up. Sentry gun ready for deployment. समझाओ सर डार्क को, समझाओ। डार्क लगे रहते हैं मैं फंस जाऊं। कैसे पढ़ते हो सर? कजन्स ने कैसे कर दिया? प्यार हुआ आपको फिर कजन्स ने कैसे करा सर?
डार्क को पता है? क्या पता है डार्क को, बताना जरा। अच्छा, तो आप दूसरे के बोलने पे आ गए। तो सर वो सब तो ठीक है, अगर पसंद नहीं करती तो फिर बात क्यों करती? नहीं, पसंद तो करती होगी, बट क्या होता है ना सर, ऐसे लड़कियों का ना बदलते रहता है। अगर पैदल वाले के साथ है, साइकिल वाला मिला तो फिर इसकी हो गई, फिर मोटरसाइकिल वाला मिला तो उसकी हो गई, कार वाला मिला तो फिर उसकी हो गई। समझा करो सर बात को। हाँ करती तो है, बट चाहती है कि जब आप आगे बढ़ जाओ तब करेगी। सर रहने दो, आपके बिना ही ठीक है हम। आप काफी बड़े लेवल के प्लेयर हो सर, आपके साथ नहीं खेल सकते। हाँ सर ऐसे ही हैप्पी रहा करो, यही तो हम चाहते हैं। अरे सर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ो, उनको खुद ब खुद दिख जाएगा। और हम तो बोलेंगे ना कि ये स्पॉट के साथ साथ ना आप अपने शॉप पे भी फोकस किया करो। जो नहीं है उसको पाने की कोशिश अच्छी बात है, बट जो चीज़ है उसे और अच्छा बनाना और भी अच्छी बात है। अच्छा इतना प्यार करने लगे थे? अरे NNNOP ओपी सर कुछ बता रहे हैं, सुन लो। हेलो टीम, चैट पे हो क्या? हेली में आ जाओ, हेली में स्की टाउन चलेंगे। ईगल्स गेमर यूट्यूबर हो? हेलो हेलो एमी सर, वेलकम। अरे बताना क्या है सर, आप आगे बढ़ो, उनको खुद ब खुद दिख जाएगा। आप अपने लिए करो, उनके लिए नहीं। अरे क्या सर यूट्यूबर हो के माइक ऑफ किए हो, माइक तो चालू करो, शॉर्ट आउट ये सब दो हमें भी यार। ऐसा टीममेट है यार मेरा, सुन रहा है बस बोल नहीं रहा है। क्यों बच्चा को सर बोलना? क्या बोले फिर बच्चे को, क्या बोले? छोटा बच्चा? नहीं आप बताओ क्या बोले, बोले क्या आपको? अरे 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 इतना गुस्सा, इतना गुस्सा नहीं करते। फोन आया था? अच्छा क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि अभी भी लाइक करती है फिर से बात कर लो, ऐसा क्या? हाँ तो जाओ।
अच्छा, तुझे एक अच्छी बात बतानी है कि वो तुमको अब पसंद करती है ना? यही ना सर? अरे रुको, एक्सटेंडेड मैग लेने दो हमें। ये क्या आ गया मेरे पास, इसका क्या करना है? एक ही रिप्लाई दिया हम। सच बताओ, ये हम करना आपने उससे ही सीखा था ना? अच्छा, आ जाऊंगा बोल के गए नहीं। अरे नीचे करो, डाउन करो, डाउन। एरो सर चलाएंगे हेली। चलो सीट लाओ, सीट लाओ अच्छे बच्चे की तरह। अरे सीट दो ना, क्या कर रहे हो? हटो, साइड हटो। अरे साइड हटो, जाओ अकेले। देखो मैं वहां जाऊंगा तो वहीं पे चले जाओ डायरेक्ट। अरे सर, तो उस लड़की ने तो कुछ ना कुछ बोला होगा ना आपको? ऐसा थोड़ी कि उसने कुछ नहीं बताया होगा कि हाँ करती है, लाइक नहीं करती है। अरे सर, आईएस वाईएस बनो फिर चलेगा टुकड़ा के। मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये देखो एमी सर हंस रहे। अरे सर क्या हो गया? पैरों में लेना? पैरों में कैसे लोगे? आईएस बनो, अपने आप पैरों में आ जाएगी। अच्छा तो उसने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि आप गेम में इंटरेस्टेड थे, ये रीजन है क्या? सच बताना सर। अरे सर, सर पूरा सपोर्ट रहेगा सर आपको, एडस का फुल सपोर्ट रहेगा। क्या वो आई थी मेरे पास पर मैंने भाव नहीं दिया? दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा इन लड़कियों को, दिखाना पड़ेगा। चलो जितने भी लौंडे हैं अभी स्ट्रीम पे, सभी इफेक्टो सर को सपोर्ट करेंगे।
सर कोई नहीं सर, मेरे तरफ से आपको फुल सपोर्ट रहेगी सर हमेशा। एरस विल ऑलवेज सपोर्ट यू। बिल्कुल सर, खुश रहो, ऐसे ही मस्त रहो। कैसा सर, कैसा नहीं पूछा करे। अरे ठीक है सर, ठीक है, नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे, आप निश्चिंत रहो इसके लिए। चलो सर, इसी बात पे आज आपकी भावुक स्टोरी ऐसे पढ़ के ना, आज मैं दिल बड़ा करते हुए आपके मेल जीएफ को आज माफ करता हूँ, आई मीन पिक्सल को, और अब से आपको पूरी सपोर्ट रहेगी आरएस की तरफ से। वैसे अभी भी थी ही, बट आगे से और ज़्यादा रहेगी, विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप एक होता है ना कि ध्यान है, बट अब विशेष। अरे यार छोड़ो, नहीं माफ करता मैं, किसका नाम ले लिया मैं ऐसे। यार छोड़ो, ऐसे ही सब ठीक है। ऐसे ही ठीक है यार, अच्छा चलो सर, कर दिया कर दिया, आपने बोला तो कर दिया। बट आप ना अपने फ्रेंड को आगे से बोल देना कि इस तरह की बदतमीजी आगे से नहीं होनी चाहिए। फिर देखो हम पे छोड़ोगे तो हम कुछ भी फिर वही हो जाएगी। फिर अभी नाम लेते ही देखो क्या हो गया मेरे साथ, हादसा। बेचारे ने एक ही किल किया है लेकिन खेला है साथ में, तो खेलने कौन बोल रहा है उसे, मैं तो बोल भी नहीं रहा खेलने। चलो क्लियर हो गया, नहीं माफ करता मैं। कहाँ गया मेरा प्यारा टीममेट, इतना अच्छा खेल रहा था साथ में, किधर गया, इधर आ जा। अबे किधर गया, आपको कैसे पता सर। अरे सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई ढंग से बात करे तो मैं क्यों ब्लॉक करूँगा। एपेक्स क्यों नहीं खेल रहे हैं सर, एपेक्स नहीं खेल रहे हैं क्योंकि सीओडीएम खेलने का ज़्यादा मन था ना। अरे सर अब तो बात भी नहीं करता उसके बारे में मैं, वो तो सर मजाक मजाक में ऐसे, मतलब कि मजाक में नहीं, कंफ्यूजन में ऐसे आया था कि वो लड़की का ड्रेस पहन के आपके साथ खेल रहा था, तो हम लोगों को लगा कि आप ऐसे गर्लफ्रेंड के साथ खेल रहे हो, इसलिए नहीं खेलते हम लोग के साथ। वेट कर रहे थे, अच्छा सर हम सिर्फ एक गेम पे नहीं है ना, काफी सारी गेम्स है हमारे पास।
बट मजा सबसे ज्यादा हमें सीओडीएम में आती है। नहीं नहीं पागल पागल सर नहीं बोले थे उस तरह से, जिस तरह से ले लिया उन्होंने। कभी आपको नहीं बोल देते, कभी डार्क को नहीं बोल देते थे क्या? ऐसे कोई सीरियसली मैंने नहीं बोला था कि हाँ तू पागल ही है। मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, पागल आदमी पागल इंसान। यही कोई लड़की ऐसे बोलती है तो काफी क्यूट लगता है लोंडो को, हम बोल दिए तो इतना ज्यादा। हाँ तो इसमें सीरियस एक बात बताओ, जब जब आपको साथ में खेलना ही नहीं हमारे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना सर लिस्ट में रहने का। नहीं बुरा नहीं लगता हमें, ये मेरा बना हुआ है कि जो मेरे साथ नहीं खेलते मैं उनको हटा देता हूँ, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ ना उनको भी हटा देता हूँ, यहाँ तक कि मैं बताता हूँ मैं अपने कजन्स को भी हटा देता हूँ। फिर जब उन्हें खेलना रहता है ऐड करते हैं तो फिर ले लेता हूँ, सही से खेले तो ठीक है, फिर नटंकी किए फिर गायब हो गए। जब खेलना हो तो ऐड कर लो ना सर। अब आप एकदम से किए रहोगे कि नहीं उसी के साथ खेलना, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग तो टीम वर्क ही नहीं करते, एक वही है जो टीम वर्क करता है, तो फिर ऐसे नहीं ना चलता सर। अरे सर बढ़िया बात है सर, जानकर अच्छा लगा। अब क्या करें, हमें तो आईजीएलिंग कराने ही नहीं आती। ऐसे बता रहे हो, ऐसे बता रहे हो। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। हेलो मेरे टीममेट, प्यारे टीममेट कैसे हो, कुछ बोल लो थोड़ा अच्छा लगे हमें भी। अरे हाँ हाँ उठाएंगे, टर्न योर माइक ऑन नंबर वन। क्या लगता है बचा लेंगे हम अपने टीममेट को? चलो यार कोई इस भरोसे पे बैठा है कि मैं बचा लूंगा तो मुझे बचाना ही पड़ेगा। बस मैं फिर से गिरते हुए टैंक से टकरा ना जाऊं, ऐसा ही कुछ हुआ था जो मैं कंपिटेटिव जीत नहीं पाया था, टॉप 200 में जाके रह गया था। ऐसी ऐसी ही चीजें हुई थी, जैसे अभी हुआ ना कि ऊपर से टैंक आ रहा था और टकरा गए, उसी टाइप की चीजें हुई थी। अरे यार शांति बनाए रखो।
Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. क्या स्केट का स्पीड इतना स्लो नहीं करता ना तो काफी बढ़िया रहता. काफी स्लो कर दिया इन्होंने. बात करनी पड़ेगी सीओडीएम वालों से. बोलना पड़ेगा कि अप करो स्केट का स्पीड अप करो. चलो ये भी ठीक है. लोग वहाँ पे चेकआउट करेंगे तब तक मैं निकल जाऊँगा इधर से. सब बढ़िया सर. आप बताओ. अरे यार मेरा हेली लेके भाग गया हो. इस टीममेट के चक्कर में ना मैंने हेली गवा दी. ठंड बहुत ज्यादा है सर. अच्छा आप राजस्थान में हो. इधर आओगे तो एकदम से कपकपा जाओगे. इधर मत आना. हेलो प्यारे योगू वेलकम. सब बढ़िया है. बस इफेक्टो सर हमारे थोड़े इमोशनल है तो कोई भी इमोशनल बातें ना करना आप. फिर देखो मैंने मना की बातें करने तो फिर ये सब बोल रहे हो. हाँ वो थोड़े से इमोशनल है ना. क्योंकि आप उनके बिग फैन नहीं हो सिर्फ फैन हो तो इसलिए वो इमोशनल हो गए हैं. बोल रहे हैं कि सिर्फ 999 OP ही मेरा बिग फैन है. योगू क्यों नहीं है. तो आप अगर बन जाओगे देन ही विल बी फाइन. इफेक्टो सर आपका चैट मिस हो गया. मेरे टीममेट ने हेल्प तो करी बट तब तक मैं चल बसा. अरे टैग भी स्कैन कर ले. आज तो ठंडी हवा और मेरे पास वाली बिल्डिंग ही नहीं दिख रही थी धुंध में.
कुहासा बोलते हैं सर, इसे समझ में आती है हमें कुहासा क्या होता है। ए मेरे में से चीजें मत लूटो, ए पागल इंसान, ए छोड़ दो, मेरी चीजें है, स्कैन करो। अरे मेरा है बे, अजीब है यार ये तो। गरम पानी पिया करो सर, गरम पानी। नूबड़े मेरे चीज लेके भाग रहा है, बहुत मारेंगे। कोई ना, हम टैंक चलाएंगे। कहाँ है मेरा टैंक? बहुत है। बट योगू सर, आपका चैट इतना स्लो क्यों आ रहा है? जैसे थे वैसे ही हैं। क्या खा रहे हो योगू सर? ओहो क्या बात है, दोनों एक साथ खाना खा रहे हैं, क्या प्यार है। इफेक्टो सर आप क्या खा रहे हो? वाह कितना बढ़िया चीज खा रहे हो सर। आई थिंक योगू के पापा बहुत ज्यादा कमाते हैं, कभी ये कभी वो, कभी बाहर जाके खा रहे हैं, घर में भी खा रहे हैं, तो कभी साउथ इंडियन, कभी नॉर्थ इंडियन, कभी ऐसा कभी वैसा। वेलकम सर, वेलकम बैक। सर क्यों बोलते हैं, योगू भी तो बोलते हैं इतने प्यार से, उस पे तो ध्यान नहीं देते आप। आप बताओ क्या बोले, स्टूडेंट बोले? अरे खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर जंक फूड पे स्ट्रिक्ट है? अरे सर छोड़ो सुपर चैट का, क्या आप एक ही चीज लेके बैठे रहते हो? मैंने तो ऐसे अपने जानने वाले को मना भी कर रखा है। कुछ है हमारे जानने वाले जिनको ऐसे पर्सनली जानते हैं, उनको मना कर रखा है मैंने। मैंने कहा कि ऐसे ना किया मत करना है इस चीज़ें, अगर एज अ व्यूअर लगता है कि हाँ अच्छा है, कंटेंट सही दे रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं उसमें,
तो वो करो, वो अलग चीज है, बट इसलिए कभी नहीं करना कि हमको जानते हो इसलिए कर रहे हो। यार छोटा बच्चा का क्या करूं मैं, कितनी बार इग्नोर करूं। अरे ये किस लिए, ये सब किस लिए भेज रहे हो सर? हाँ सर, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। नहीं, आरएस को तो आप लोग जानते हो कि आरएस कौन है। यू आर द जंप लीडर, गुड लक। रिक्वायर कंट्रोल देख रहे हो आयरस की? अच्छा, ऐसा डार्क ने बोला आपको? अरे ठीक है, चल ब्लैक मार्केट लेके चलते हैं तुम्हें, हम भी देखे कितने बड़े तोप है तू। चल दिखा दे कितना बड़ा तोप है। बीकन लैंड हियर कर रहा था, करा दिए लैंड, भाग गया उधर, हम चले अपना इसकी टाउन। यार स्केट को बहुत मिलना चाहिए यार। क्या है फैक्ट बताइए। ऐसा नहीं है सर कि स्केट के बिना खेल नहीं पाते, खेल लेते, वो तो हम लेते ताकि अपने टीममेट्स को ना ऐसे टैग कलेक्ट कर सकूँ, टीममेट का उनको बचा सकूँ अपने टीममेट्स को, बट इतना ज़्यादा ना उसको स्लो कर दिया है ना कि क्या बताऊँ मैं। या सीओडीएम वाले पहले वाला स्केट लौटा दे। उसके बाद तो पूरे मैप पे तहलका मचा दूंगा ऐसे में। हाँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुराना वाला स्केट लौटा दे।
Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing. मेरे ना गेम प्लेस देखो पहले के, अगर ज़्यादा पहले के भी आपको नहीं देखने हैं ना तो CODM के लेटेस्ट जो है वीडियो प्लेलिस्ट में जाओ और लेटेस्ट वाले ही गेम प्लेस देखो, उसमें देखो कितना बढ़िया बढ़िया स्केट का यूज़ करा है मैंने। अरे इफेक्टो सर को कॉम्पिटेटिव में जाना है ना, जिनको कॉम्पिटेटिव में जाना होता है उनके लिए एक ही गेम पे फोकस करना ज़्यादा बढ़िया होता है। वो स्ट्रीमर भी नहीं है। The revive flight will arrive in 1 minute. Our vehicle is about to explode. क्या मजाक है, प्यूरीफायर दे रहा है, प्यूरीफायर लेकर करना क्या है। वाईटी, ओहो काफी पैसे वाले यूट्यूबर आए हैं। नहीं यार वो लोग नूबड़ों के लिए है। आलू पूरी वाला पूरी, पूरी नहीं खा रहे हो, आलू की सब्जी और रोटी खा रहे हैं। क्या मतलब है RSDL क्यों चलाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। हम फाइट्स नहीं लेते। अच्छा चलो फाइट्स लेते हैं, टीममेट को बचा के आते हैं उसके बाद फाइट्स ही फाइट्स। Coming.
फाइट्स देखना आपको, बस इतनी छोटी सी बात। Flight will arrive in 1 minute. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Tank has been delivered. The safe zone is collapsing. Half of the teams are eliminated. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. The revive flight will arrive in 1 minute. Still return to the battle. Airdrop incoming. हो गया सर, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं टीममेट कहां तक क्या करता है। Airdrop has been delivered. Revive flight will arrive in 1 minute.
अरे थैंक्स लेजेंड सर, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्रिकेट के महारथी हमारे लेजेंड सर। हमें तो लगता है आने वाले समय में टीम इंडिया में सिलेक्शन भी लेजेंड सर के विचारों को देखकर किया जाएगा कि लेजेंड सर क्या सोचते हैं इस बारे में। है ना लेजेंड सर? हाँ सर, मेंटर ही बनना है आगे आपको। अरे क्या लगता है मेरा ये टीम तो मुझे बचा भी पाएगा कि नहीं? ना, इससे नहीं हो पाएगा। आई थिंक कोशिश तो कर रहा है बट तब तक काफी देर हो जाएगी। अरे वाह, बात तो सही है सर, बट एचपी कैसे बढ़े अब इनका? अरे सर हेली ले लेते ना, बगल में हेली थी, जल्दी जाओ, नहीं बच पाएंगे। सीधा निकलना था हेली लेकर। काफी समय व्यतीत कर दिया ना इन्होंने, वैसे जाके टैग वहां मेरा लेके, वैसे भी वो था उधर। अरे सर ऐसे ना बोलो। हमारे एमी सर आजकल अटैचमेंट दे रहे हैं काफी ज्यादा, बढ़िया बढ़िया अटैचमेंट। ऐसे जाओ उनके वीडियोज उठाओ। रुको, हम बुलाते हैं। हेलो ट्रॉप, वेयर आर यू फ्रॉम? हाँ सर, अभी जो हुआ उसकी तो बातें कर रहे हो, समझ गया मैं। आई कैंट स्पीक सो लाउड इन हियर। तो सर ऐसे बता दो ना कि कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम दुबई। ओहो, हिंदी समझ में आती है?
क्लैन वार खेलना था लड़के को। चलो अपने प्यारे ओगू सर के लिए इस बार स्केट का ये छोड़ के स्केट किधर मिलेगा, सीधा फाइट लेंगे हम, उतरेंगे बस फाइट ही फाइट, फाइट ही फाइट होगी। You're the jump leader. Good luck. हेलो प्रो, कैसे हो? ओहो, जंप लीडर चाहिए, क्या बात है, क्या बात। हेलो प्रो, कैसे हो? प्रो तो कुछ बोल ही नहीं रहा यार, लगता है बेचारा नूब बन गया। प्रो बन गया नूब। हॉलगर तो काफी बढ़िया काम कर रही है यार अभी। प्रो इधर है ना, नीचे एक बंदा है। प्रो कम ही यार। देयर इज अ एनिमी इन माई बिल्डिंग प्रो, आर यू लिसनिंग? हेलो प्रो, हेलो प्रो। यार कैसा टीममेट है यार।
अच्छा, गायब थे तब से। वही तो मैं सोचूं कि बोल क्यों नहीं रहे। आपके लिए हम शुरू से ही फाइट ले रहे हैं, आप हो कि गायब हो गए, क्या कैसी बात हुई सर? Airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Get the rest. लेट्स गो प्रो, लेट्स गो। अच्छा ऐसा है। जीप लाइन मस्त है ना योगू? दैट मीन्स मैंने सही बोला है। Airdrop is coming. तो सब तो ठीक है, मेरा चिप किधर अपग्रेड होगा? हेलो प्रो, साथ में रहो यार। एक ऐसा प्रो है यार, कैसे कैसे टीममेट मिल जाते हैं मुझे, सुनता ही नहीं कुछ है। हद है यार, स्टैंड ऑफ में दे रखा है चीप अपग्रेड वाला, उधर जाना पड़ेगा। Airdrop is coming. चलो जोन भी थोड़ा उधर ही करके काटा है। Airdrop has been delivered.
flight will arrive in 1 minute. Terminal is almost ready. Skill chip ready for upgrade. Half of the teams are eliminated. The safe zone is collapsing. Yogu sir, are you happy now? Airdrop is coming. नहीं सर, भजन कीर्तन कर रहे हैं। अजीब है यार, क्या आपके लिए हम फाइट ले रहे हैं और आप इस तरह से बोल रहे हो। मतलब क्या बनता है फिर हमारे फाइट्स लेने का। ठीक है सर, बाद में देख लेना। यार कैसा टीममेट है मेरा, जरा सा साथ नहीं दे रहा मेरा ये। यार बुलेट्स की बहुत ज़रूरत है मुझे अभी। Chip terminal is almost ready. यार प्रो बुलेट चाहिए यार। बच के रहना, बंदे थे इधर।
The safe zone is collapsing. Airdrop is coming. क्या चल रहा है बताइए. Airdrop has been delivered. लेजेंड सर क्या सर तो टाइम बना हुआ है वो अबाउट हाफ एन आवर रहते हैं क्योंकि ड्यूटी पे रहते हैं ना वो तो वॉच टाइम देके सपोर्ट किया करते हैं बस टाइम मिलता है तो देख भी लेते हैं. डार्क है नहीं डार्क ना आपको ऐसे बोल दिए कि हम हैं बट वो है नहीं जब थे तब चैट करा था उन्होंने. कोई ना आप हो ना काफी है. इफेक्टो सर के स्क्रीम शुरू हो गए होंगे. शुरू में आए हुए थे. Enemy vehicle is nearly done for. Your teammate has been killed. दे यार टीममेट मेरा थोड़ा और सुनता ना थोड़ा सा मुझे तो बेहतरीन जाता है गेम. क्या करे योगू सर 13 किल में ही रह गए. ये तो सर आपकी मर्जी आना है आ जाओ. हम थोड़े से वैसे तो वो स्ट्रीम चैट आ नहीं रही बट फिर भी चैट थोड़ा मैं ना अगर कोई आए तो
हेलो हेलो एस्टनर सर, चलो बताओ कोई चैट आया हो मेरे लिए तो। एमी सर आए हैं। सर क्या बोल रहे हैं एमी सर? मैं तो एमी 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 ने पूछा क्यों नहीं खेल रहे हो, क्योंकि आप ब्रेक पे थे, लुट गया। अरे एमी सर के अटैचमेंट देखते हो? नहीं यार सर, टाइम नहीं रहता मेरे पास, आजकल मैं बस ब्रेक पे आ जा रहा हूँ, वही बड़ी बात हो जा रही मिल ले। अटैचमेंट वीडियो काफी कर रहे हो। अरे धन्यवाद सर, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद चलो आपका। बीआर चलो ना। बीआर मतलब भालू? हाँ, अपन बीआर खेल रहे थे। ये ओजी लेफ्ट यही है क्या? ये वही है, डार्क ही है ये, हाँ वही है। देखना तो नाम चेंज करा। आए हैं आपसे हाँ 1v1 करने। आ जाओ डॉक्टर सर, अबून फुल रेडी बैठा है, डरते हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, डरना और डार्क से। यार ना ना, मजाक है क्या? वो भाग गए लास्ट मोमेंट, नहीं तो मिली भी जीत जाता मैं तो। चलो रूम बनाओ, इनवाइट भेजो उनको। तो ये देखो किसी और को लेके आए हैं आपके लिए, डार्क से नहीं होने वाला। कौन लेके आ गया हमारे लिए? रूम चैट पढ़ो, पढ़ो पढ़ो रूम चैट पढ़ो पढ़ो भाई स्टनर रूम सर। चैट पढ़ो, आ जाओ। अरे यार सुनो, हाँ बोलो ना, हम तो बैठे हैं। बोलो कि गुड बाय बाय ओपी इज माय पार्क फ्रेंड। ओके और समझ गया, तो मैं हम क्या करें? समझ गया। मतलब डार्क से जुड़ी कोई भी पर्सनल बातें नहीं करनी है। ठीक चलो, और डार्क सर आप ऊपर जाओ, मैं आके पार्क वाले फ्रेंड से ज्वाइन करूंगा। सर एक स्लॉट खाली करना था उनके लिए स्पेशल, कर मैं दिए कर दिए कर दिए। डार्क सर। हाँ डार्क हूँ, गॉड ये स्ट्रीमर सर हैं। अच्छा स्ट्रीमर सर, आपको स्ट्रीमर सर के नाम से बताया सर? चलो सर चालू करो, हम नोवे पहले ही बता रहे हैं। अरे यार आप छेड़छाड़ करना सेटिंग्स के साथ, जैसे ही वैसे ही हम लोग स्नाइपर ओनली कर रहे हैं पार्क फ्रेंड। गॉड वाई वाई ओपी। ओके ना गन पूछ लो ना आपको क्या। और ये स्नाइपर आप तो हर पहले गन, स्नाइपर। अरे आप तो हर गन पे मास्टरी रखते हो, कोई भी कर ले, डार्क की तरह थोड़ी ना चल है। ठीक है, एनी गन चलो आ जाओ, ऑल गन्स आ जाओ, नहीं चलो आ जाओ आ पूछ जाओ लो ना आ उनसे जाओ। कि वो कौन सा करेंगे। अरे ठीक, उनने मेरे को ऑप्शन दिया ना, मैंने बोल दिया ऑल गन्स, 1v1 ऑल गन्स है सर मेरे लेवल के। अच्छा भाग जाते हैं आप मुझसे? ये बस ऐसे बिल्डअप बना रहे हैं, है कुछ नहीं। स्टनर अभी मार मार के मोड़ बना हाँ देंगे उनका। स्टनर ओपी बोलते सर, किल हाउस लगाओ ना यार। किल हाउस। अरे यही ठीक है, अच्छा शिपमेंट ठीक किल हाउस है, अच्छा। छुप जाते हैं उसमें लोग। है इनके पास डाउनलोड है किल हाउस, पूछो पूछो है क्या। सर आपके पास क्लाउड डाउनलोडेड है तो चैट में देखो तो। हाय सर आप चैट में देखो और ये बता रहे हैं आपको है कि नहीं है। प्लेयर्स नॉट रेडी। अरे तो मैं रेडी नहीं हूँ ना, आप बोलने बोला ही नहीं चालू कर रहे हो, मैं मैं चालू कुछ कर नहीं दिया मैं बैठ हो गया। बोलूंगा। बोलो गॉड भाई ओपी सर, गॉड अरे ओपी बोलोगे नहीं भगवान तो सुन प्रो, तो रह सकते भगवान हो ना, ओपी। स्पीकर ऐसे ऑन करो और सुनो। अरे कुछ नहीं बोलोगे, कोई तकलीफ नहीं है, सुन लीजिए। मैं अर्नव है, ओके नाम पता चल गया मेरा। अच्छा तो यही कभी कभी आते स्ट्रीम पे और बताते नहीं कि मैं अर्नब हूं, तभी तो मैं सोचूं कि है नहीं कौन है नहीं दूसरे बंदा। अर्नब हैं यार, अरे दूसरे? अलग अलग लोग हैं यार। अच्छा अलग अलग लोग हैं। ओके ओके अरे हाँ। रेडी अरे करो क्लॉक सर सर। आप रेडी करो यार, बातचीत में हाथ लगाओ। अरे जान के अर्नब हो, रेडी करो। नहीं अर्नब चालू करो, चलो जय श्री राम। जय श्री राम। अरे चालू करो ना सर, कर दिया ना रेडी, इन्होंने अभी किया ना।
lost the lead. Taking the lead. DLQ का हिप फायर थोड़ा मुश्किल होता है सर, लोकस रहता तो हो जाता है आई थिंक इतना ट्राई में। क्या बात है स्टनर सर, क्या बात है। हाँ सर ये बात है, कहाँ थे एमी सर आप। समवन स्पेशल से बात करने चले गए थे क्या। अच्छा लाइट गई थी एमी सर, ये बताना वो वाईफाई लगा है आपके तो लाइट जाती होगी तो नेट भी चला जाता होगा ऐसा क्या। ये बताओ सर आप ये अटैचमेंट लाते कहाँ से हो गन्स की। अरे सर तो फोन का भी इंटरनेट रखो कुछ, नहीं तो ऐसे मान के चलो मार्केट निकले तो पता चला इंटरनेट यूज कैसे करोगे। या फिर ऐसा है कि फोन में कम डाटा भराते हो कि वाईफाई तो लगा ही है तो बाहर जाऊंगा तो इतना डाटा में बाहर का काम चल जाएगा। अरे अरे हमारे प्रवेश कुमार सर शॉट्स मिस करेंगे ऐसे तो कैसे चलेगा। तो इसमें ट्राई कर एमपी में ट्राई करते हो या फिर बीआर में करते हो या फिर दोनों में। अरे सर क्या हुआ सर, आपके लेवल के है ना आपके फ्रेंड। ये हुई ना बात, वन शॉट वन किल, दैट्स लाइक अ प्रो स्टनर। वही तो बहुत मेहनत करते हैं एमी सर। यार अटैचमेंट वीडियो करनी रहती थी ना तो हम भी काफी मेहनत किया करते थे ऐसे। बट इनका क्या है ना COD एम्बल का,
सीजन चेंज, पावर कम ज़्यादा कर देते फिर अटैचमेंट का वो चेंज हो जाता है। मैं तो सर जो भी करता था ना, हाँ तो सर वो कर दो ना आप, उसमें ऐसे लिख दिया करो कि BR अटैचमेंट है, मेंशन कर दिया करो। कड़ा करो डार्क, कड़ा करो, ऐसे मायने रखता ना कमेंट, लोग जो आते हैं अदर लोग देखने के लिए उनका ऐसे तो रहता है ना कि लगता है कि चलो कमेंट आए हैं, लाइक्स आए हैं। हाँ ये ना छोटे डार्क है, देख लो छोटे डार्क को, छोटे डार्क है अपनी माँ के साथ। आप तो कह रहे थे कि आपके लेवल के हैं, अभी नूबड़ा हो गए, ये कैसी बात हुई। अरे मेरे में भी कर दिया करना, फिर मैं सारी वीडियो में करूंगा। अरे सर ऐसे सिर्फ कमेंट नहीं करना होता है, ऐसे वीडियोस देख के रिव्यू देने होते हैं। ये नहीं कि वीडियो फटाफट से खोलना शुरू किया, कमेंट करना शुरू किया। अच्छा बात बदल रहे हो अब, सही है सही है, सही खेल गए। अरे सर चलो ठीक है, आपने बोला मैंने मान लिया, गलत नहीं पढ़े सर, देखो ऐसे जल्दी जल्दी में पढ़ना होता है ना, फिर डिस्प्ले से गायब हो जाता है। ठीक है सर पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। हाँ तो बढ़िया है ना, 1v1 में डिले होना भी चाहिए, नहीं तो प्लेयर ऐसे देख के स्ट्रीम पे और लोकेशन लेके और फिर मारे, अच्छा थोड़ी लगता है। डिले सही है, 1v1 है तो चलो ठीक है डिले। अच्छा अरे 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 गलतियां काफी करते हो सर आप। चलो चलो इनका रूम चैट देखो क्या लिखा है इन्होंने। अरे 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 किधर 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 गलती से पहले लिख दिया कल का तो भी बहुत खूब है, मेरी तारीफ होती है, मेरे को बहुत खुशी मिलती है।
सर आपको पता है आज क्या ये होगा? स्टेनर सर है। इतनी मेहनत से, हाँ स्टेनर सर इतनी काफी बड़े मेहनत कर रहे प्रो थे ना हम। प्लेयर है, संभल के मेरे लेवल के हैं। अच्छा स्टेनर सर के लिए लिखा सीजन 10 में सर, क्यू क्यू नाइन हाँ फायर 23 और अब S11 में 25। वही तो सर, वही तो होता है इनका, बात करेगी उस टाइम। वही तो चेंज कर देते हैं। ये भी अच्छा हर है। बार आपको लिखना पड़ेगा कि इस सीजन का लोड आउट, इस सीजन का लोड आउट। मैं तो पुराना बनाया था ना, जो अरे हमने ये तो बनाया एकदम सही था पर था। वही मैं यूज कर रहा हूँ अभी भी। हम तो वही यूज करते। मेरा देखो, मेरा ये कब का बनाया हुआ कैसे था, प्लेयर बट सीजन पता चल जाता है इससे। एक चीज़ है, सीजन पता चल जाएगी आपको। मैं बताऊँ कब का है। अरे सब में एरियस टाइम है दामन वेरी रुको रुको कम। रुको ये तो रुको मैं रुको, मैं फुल रैंक बताता चला रहा हूँ हूँ। फिलहाल, अरे यार बहुत ज्यादा रिच कर स्टिकर्स रहे हैं। गायब हैं तो कैसे पता चलेगा? ये लो गए, स्टिकर्स ही नहीं है यहाँ पे। रुको कुछ और करना पड़ेगा। दो तीन चार चार अटैचमेंट तो हो गए यहाँ पे। यूजुअली मैं बाइपॉड लाता था पर इस बार नहीं लाया हूँ। इसमें होगा, इसमें पता मैं चलेगा। कंसंट्रेशन के लिए लगा सकता रुको हूँ रुको क्या? रुको, कौन से सीजन के है? S1 का है। देखो ये मैंने S1 के टाइम पे बनाया था इसका। देखो अटैचमेंट ये रहा, सिलर बीआर लॉक है में। क्या? ओ एक क्या नाम का दिखा रहे हो? हाँ 117 का इसलिए आपका है। पुराना हो गया सब कुछ। नहीं बनाओ, पुराने पे नहीं जीते कभी भी। मैं ये देखता हूँ। फोर्टी बुलेट में सेवन मरा के दूं क्या AK-47 का मस्सा? अरे सर बना लेंगे सर, उतना कोई इशू नहीं है, बट जो है वो ठीक है। AK-47 भी S1 का है। ओके अच्छा 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 ठीक है। सर कोई आ रहा है क्या? मैं एक नई गन ला रहा हूँ, कोई करेगा क्या? बिल्कुल नई गन चल रही LMG है। कब का है? LMG का पता नहीं। स्नाइपर खेलते हैं आओ। अरे ठीक है, प्राइम स्किलर कौन है? हम कुछ नहीं बता रहे सर। DLQ, DLQ का आ गया। DLQ कब का है मेरा? आजा आजा आजा। देखो DLQ मेरा S2 का बना हुआ है, ये S1 का नहीं है, S2 का अरे है। अरे ऐसा भी है क्या? हाँ मैं ना तो ऐसे ये कब का है? ये 2020 का है, 2019 का है कि अभी और सबसे फर्स्ट वाला है? ये नहीं पता मुझे, आप हम जाके अटैचमेंट वीडियो देख लेना कि वही कब का है, उससे अरे टाइम एंड भाई डेट यार निकाल अटैचमेंट देना। वीडियो आई ये है मेरा है DLQ का, एक्यूरेसी बढ़ा हुआ है और कंट्रोल सर। बढ़ा मेरे को हुआ है। डार्क साइड से अनियन करना चालू करो। नहीं अरे कर रहे हैं एमी सर को, ऐसे थोड़ा सा एमी सर को बता देना। अच्छा लगा मुझे, वो अटैचमेंट वीडियो सही करते लगता है ना, बट तो मैं इनको बता दिया। अब डार्क सर, अब आप दोनों अपन दोनों कर रहे हैं। वाई वाई ओपी सर प्लीज ऊपर चले जाइए। प्राइम एक्सलर सर प्लीज ऊपर चले जाइए। धन्यवाद। एक ही स्लॉट है ऊपर। हाँ तो दो कर दो ना, कितना है एस अभी? टू टू S11 बहुत चेंजेस हुआ। ओके सर देख लेंगे, कभी ध्यान दे लेंगे। हाँ ऐसे इतना इशू नहीं होता। अभी स्टेनर सर बोल रहे थे फाइट लेके खेलो, तो फाइट लेके खेल रहा था मैं, वो तो बिना अटैचमेंट के गन के थोड़ा खेल सा सर रहा ऊपर चले था। जाओ प्लीज। अभी आई थिंक ना अभी M4 बढ़िया चल रहा है, मैंने यूज करा, मुझे लग रहा है M4 बढ़िया चल रहा, तो उसका अटैचमेंट बना के मैं यूज करूंगा BR में। M4 स्टेबल है मेरे हिसाब से, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है? M4 बहुत ज्यादा स्टेबल है अभी फिलहाल नहीं अभी इस ऐसा सीजन लग रहा में है ना। M4 काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है सर। कभी M13 अच्छा था, बट अभी के समय में ना M4 आप यूज करो, बंदे एकदम मतलब आराम से मरते हैं। और हॉलगर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है LMG में। M4 का अटैचमेंट मैं बनाऊंगा, मैं ना क्या करूँगा M4 का वॉट ओपी अटैचमेंट सर बना के ऊपर चले जाओ डालूँगा। ना। अरे यार डार्क लिखो यार, सुनता ही नहीं आपका फ्रेंड। गॉड ओपी प्लीज गो इंस्पेक्ट रेडी करो डार्क। लिख के दिया हम। अरे चले गए, सुनते तो हैं। साथ में वो भी गन कौन सी है? स्टेबिलिटी अभी बहुत मस्त चल रहा है। अभी अभी अपन स्नाइपर खेलते देखो हैं। डार्क M4 सर के मैं अटैचमेंट बनाऊंगा, ओके ओके और कोई भी ज्ञानी उस पे ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। जिनको अच्छा लगेगा वो यूज करना, नहीं लगेगा नहीं करना।
बट ज्ञान मत ज्यादा देना। वीडियो निकालना पर हाँ वीडियो वीडियो ही डालूंगा इसलिए तो बोल रहा हूँ। अरे सर होते हैं कुछ ज्ञानी ना आके ज्ञान देने लगते हैं, क्योंकि देखो सर मैं बनाता हूँ ना, मैं जो अटैचमेंट बनाता उस पर बहुत काम करता हूँ मैं। एमपी में भी अच्छा चले, बीआर में भी अच्छा चले, इस तरह से बनाता हूँ उसे, उसका डैमेज भी सही रहे, फायर रेट भी सही रहे, कोई घटे ना बढ़े, बहुत मतलब काम करता हूँ। अब कोई आता है कोई एमपी बुलाएगा खास उसको एमपी का चाहिए, कोई बीआर बुलाएगा खास बीआर का चाहिए, तो भाई थोड़े बहुत चेंजेस कर लो ना। डार्क भी लाइक जल्दी जल्दी फायर कर लेता हूँ। स्टेनर सर से अपने फ्रेंड का बदला लेना है। स्टेनर कुछ करो, फिर छुपे बैठे हो, आगे बढ़ के खेलो, ढूंढ के मारते रहो, छुपोगे आप पिटोगे। मोवमेंट मोवमेंट होते रहना चाहिए सर। बस ऐसे ही मोमेंट होते रहना चाहिए, मोमेंट रोको ही नहीं। डार्क सर को देखो इतना बढ़िया मोमेंट देते हैं। अबे एमी सर इधर से आइडिया चुरा के M4 का अटैचमेंट ना आप उधर निकालने लगना। मेरा आने देना, आपका तो फुल वीडियो होता है ना, मेरा आने देना। उसके बाद हाँ सर हो जाती है, कहें तो COTM थोड़ा सा नहीं, आप उस अटैचमेंट को अपने वीडियो में यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट करने देना पहले हमें। हम करेंगे फिर उसको ना, आप अपने बीआर के लिए ऑप्टिमाइज कर लेना, कुछ चेंजेस अगर आपको लगेंगे कि बीआर के हिसाब से करना है तो कर लेना, फिर हो जाएगा आपका भी काम आसानी से। अच्छा M4 पहले ही कर रखा है आपने, चलो बढ़िया। M4 का मे भी मैंने भी किया होगा आई थिंक। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखना पहले टेस्ट कर लेना, डायरेक्ट ऐसे गेम प्ले में मेंशन मत कर देना, नहीं तो लोग बोलेंगे क्या ही अटैचमेंट बना के ले आए हो, ऐसे तो आप बनाते नहीं थे। वैसे कोई बोलता कुछ नहीं, आता है आपका वीडियो देखता है साइलेंटली और फिर चला जाता है। मैं देखता हूँ कि कमेंट्स मेरे ही होते हैं। हमें तो उसी दिन पता चल गया था ना कि काफी चेंजेस किया इन्होंने, जब किसी ने आके ना मेरे वीडियो पे अटैचमेंट वाली पे कमेंट करा कि इस अटैचमेंट को यूज करने पे ये चीज नहीं हो रहा है अभी।
अच्छा आप डार्क सर भी जाएंगे, डार्क स्टनर दोनों जाएंगे। रुको आज ना स्ट्रीम के बाद ना, अगर ये लोग कर चुके होंगे पहले से तो ठीक है, नहीं तो स्ट्रीम के बाद क्या मोड तो हैं ये लोग, मैं बोल देता हूँ अभी। डार्क ने तो खुद ही बोला है स्टनर सर एमी सर का ना वो थोड़ा चैनल वो कर लेना। यार भीम सर को जो ना मार मारे इन्होंने, हम होलगर ले ले, इसका क्या मतलब हुआ? अरे सर अटैचमेंट के लिए काफी काम करना पड़ता है सर, फिर करो फिर उसके बाद फिर सीजन चेंज, फिर गन चेंज करना पड़ेगा आपको, फिर से गन चेंज के साथ अटैचमेंट पे फिर से काम करो। अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही मस्ती के लिए बोल दिया, ऐसा थोड़ी है कि लोग करते नहीं। हमारा अलग होता है, आपका अलग होता है, लोगों का यूज अलग होता है, हर किसी का अलग होता है। ये तो हमने सिर्फ ऐसे मस्ती के लिए बोला। सर आगे बढ़ना है सर कैसे भी, देखो क्या होता है मैं बताऊँ आपको, जितने भी अभी स्ट्रीमर्स देख लो आप या फिर कॉम्पिटिटिव प्लेयर देख लो आप, तो क्या होता है कोई एक बंदा अगर उसमें से राइज कर जाता है ना तो बाकी उनके आसपास वाले को भी एक मतलब कि वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं उसे, अरे यार मैं वर्ड भूल रहा हूँ, नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, बट थोड़े थोड़े आप सही हो, मैं वर्ड को ही और कहना चाह रहा था। तो आई मीन कि कोई तो हो जो हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल से जो हम लोग का बना हुआ है उससे आगे बढ़े। अरे नहीं सर वो तो आ ही जाता है, वो तो साथ में खेलोगे या फिर ऐसे बोल दिया तो हो ही गया।
अरे कभी कभी होता है ना कि वो चीजें कुछ होता है आपका जो ऐसे जवान तक आई फिर चली गई फिर आई फिर चली गई, उस तरह से हो रहा है। तो अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। बट आप इसे इस तरह से समझो ना कि कोई एक आगे ऐसे बढ़ जाता है पूरे सर्कल में, तो बाकियों को भी आगे बढ़ने के लिए जो ऐसे होता है ना आसानी हो जाता है, उसमें एक उनको रास्ता मिल जाता है, एक मुकाम मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, इस तरह से समझो। क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड तो अभी आ नहीं रहा। एक्सटर्नल ओपी बोलते जानकारी मिल जाती है कैसे करना। क्या आ रही है? हाँ आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? अरे वॉल्यूम काटो। अरे एक्सटर्नल मेरा दोस्त इधर आपके गया, भाग गया क्या? अरे वो चले गए, यार उन्होंने सोचा कि डार्क से ही कुछ नहीं हो रहा तो हमसे क्या होगा। नहीं, डार्क सर तो ऐसे हो जाएगा। वंस मोर हाथ नहीं खुले अरे थे। उधर हाँ नेट ऑफ हो गया था, नेट ऑफ हो गया था जाओ सर, उसका। एक मिली खेलते हैं, एक में आपका एक में मेरा, इक्वल हो जाएंगे फिर वापस। चैट चैट मिली आपको में खेलना है ना तो आपको मुक्का लेना पड़ेगा डार्क सर से जीतने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो भी इक्वल कर लेता हूँ। रुको रुको, वो भी इक्वल कर लेता हूँ। अरे मुक्का मैं खेल ओपी लिया ना आज, बोलते मिली में, मुक्का ओपी हो गया बोलते। स्नाइपर, खेल लिया मैंने। मैं तो खेलने नहीं वाला ना, आप मुझसे भाग जाते हो मिली में, इसलिए मेरे को मिली खेलना है। मुक्का लेके खेलना पड़ेगा फिर। अरे भागते हैं वो, लिटरली भाग जाते हैं, भाग मुझसे क्या थोड़ी जाते खेल रहे हैं, थे। उनका जब पॉइंट आगे बढ़ गया तो मजाक कर रहे थे आपसे, फिर मजाक करने में फिर पॉइंट डाउन हो गया, तो देखे कि चलो मैं पकड़ में ही नहीं आता हूं अब। तेज है चलो एक और ना, अभी मिली खेल रहे हैं यार, अभी मिली बुद्धि मिली। बहुत तेज है इनकी हाँ यार। मुझसे भी मिली। एक और प्राइमेक्स किलर है कौन, कुछ ज्यादा नहीं बन अरे रहा। दोस्त है पता नहीं कोई, मुझे भी रिक्वेस्ट भेज दिया। काट दो, पैसा काट दो उसका, मैंने तो हटा दिया लिस्ट से ही, गायब। मैं भी हटा दूंगा। रुको तो, मेरी ब्लॉक लिस्ट में एक फाइनली पर्सन आ जाएगा। अरे अरे हटा दिया मैंने नाम मेरा, ब्लॉक नहीं करा मैंने, बस ऐसे ही हटा दिया। मैं कर दूंगा ना, मेरी ब्लॉक लिस्ट तो बढ़ जाएगी एक से। अरे मिली के लिए शिपमेंट यार ओके, डार्क सर क्या कर रहे हो यार, क्या मतलब उनको अब मेरा हाथ खुल गए। अच्छा और तो शिपमेंट कोई नहीं चाहिए, सर, शिपमेंट मिले एक शिपमेंट कर दो। कर दिए। भागना मत, क्या मारेंगे कूटेंगे। मिली के बाद बीआर, क्या मतलब मेरे हाथ खुल गए? हाँ खुल गए तो खुल गए, इसका मतलब हुआ कि आपने वो पहन लिया ना फिंगर स्लिप्स। अरे सर बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। मिल्खा सिंह मोड ऑन ओके। मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं सर, क्या होता है ना इंडिया में, खास करके मैं इंडियन व्यूअर्स की आपको बात बताऊं, जो मैक्सिमम होते हैं ऐसे, मतलब कि जो नज़दीक वाले उनको नहीं लेना है इसमें। जैसे आप लोग ये नहीं समझना कि आप लोग के लिए बोल रहा हूँ मैं क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। आप फॉरेन के यूट्यूबर्स को देख लो ना, तो उनको भर भर के सपोर्ट मिलते हैं, इंडियंस भी सपोर्ट करते हैं साथ में उनको जो है, ऐसे नए भी कंटेंट क्रिएटर है तो उनको अपने देश के भी लोग जो है काफ़ी सपोर्ट करते हैं उनको। बट यहाँ देखो, यहाँ इंडिया में क्या है ना कि एक अलग ही लेवल चलता है। अरे लेजेंड सर आप कब आए? आप तो सर काफी टाइम से नहीं थे। हाँ
डायरेक्ट आते ही चलते हैं। ठीक है सर, गुड नाइट, हैव सो ड्रीम्स। ओजी लेफ्ट, ओजी लेफ्ट से कुछ दिनों में हो जाएगा ओजी राइट। हेलो सर, वाह वेस्टर्नर ओपी बोलते। लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? सेटअप ले लिया क्या सर आपने? तो फिर कैसे कर रहे हो सर? अच्छा हम नहीं कर रहे हैं, करते तो है सर, कहाँ नहीं, अभी COD-M की चल रही है ना, सपोर्ट नहीं आता ना सर ज़्यादा, NSM के लाइव स्ट्रीम पे उतना आता नहीं, गायब होते हैं व्यूवर्स। अच्छा ऐसा है, चलो सर आपने बोला है तो मैं प्लान करता हूँ NSM का भी लाइव। COD में मज़े भी ज़्यादा आते हैं सर, बात एक ए भी है, ऑप्टिमाइज्ड भी है गेम NSM से काफ़ी ज़्यादा। अरे जल्दी जल्दी फाइट लो, डर रहे हैं एकदम, जाओ मुक्का मारो, जाओ मुक्का मारो, ऐसे डर के पीछे क्यों रहना है। और बताओ IGL सर, NID का मतलब क्या है? We're losing this fight. अरे NID तो पढ़ा हमने, बट उसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डज NID स्टैंड फॉर? जनता जानना चाहती है। वाह क्या कंपटीशन चल रहा है दोनों में, कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, मतलब बताया नहीं जा सकता कि कौन मैच विन करके जाएंगे। ये हुई ना बात, ये हुई, वाओ।
अरे ये बढ़िया था, डार्क देखते रहे देखते रहे देखते रहे, मुक्का ओपी बोलते। अभी तक फुल फॉर्म सोचा नहीं, अच्छा तो ऐसे ही रख लिए हो। IND रहता तो समझ में भी आता कि चलो इंडिया के तरफ से टीम बनाए हो तो ऐसे IND रखे हो। इफेक्टो सर काफी तारीफ करते हैं सर आपकी। बोलते हैं कि काफी अच्छे आइडियल मिले हमको। अरे ये लो हंस रहे हो। अरे सर तो हमें कैसे पता चलेगा कि टीम में आइजियल कौन है? वो बताएंगे तब तो ना, हमें थोड़ी ना पता रहता, उन्होंने ही बोला तब तो हम जाने। ए स्टनर ये क्या कर रहे हो, ये गलत बात है। अरे जाओ ना फाइट लो ना, जाकर कर क्या रहे हो। डार्क को परेशान करके रखिए, चढ़ जाते ऊपर। एक पॉइंट तो स्टैंडर्ड सर आपका कम होगा, याद रखना है। अरे कलड़ा है, कलड़ा क्या होता है सर? जाओ जाओ डार्क खोज रहे हैं, जाओ। अरे लो खलड़ा है। अरे यार क्या बोल रहे हो आप, हिंदी में बोल लो सर, ऐसे वर्ड समझ नहीं आते हमें। या फिर डिड यू वॉन्ट टू से खेल रहा है? अच्छा अब समझे, तो अभी खेल रहे हैं तो उधर से भेजा उन्होंने आपको कि जाओ ऐसे एड्रेस को बोलो कि NSM खेले। अच्छा फेंका था तब फेंके, चलो ठीक है। अरे एक कॉपी लोड आउट में कैसे आ गया मैं, ये क्या है? अच्छा इस पे क्लिक करने पे कॉपी लोड आउट में आ जाते हैं लोग। कॉपी कर लो कॉपी। अरे यार कॉपी नहीं करे आप, मेरा लोड आउट था। मैं क्यों कॉपी करूं, मैं अपना खुद बना लूंगा। हमें जब लगेगा कि हमें बनाना चाहिए, अब लोड आउट पे काम करना पड़ेगा, तब बना लेंगे हम। ऐसे जब तक अभी चल रहा है काम तब तक चल रहा है। वैसे भी सर क्या ठीक ठीक सर। क्या करे CODM का, ये तो हर सीजन में चेंज ही कर देते हैं, तो नहीं उससे तो हर बड़ी सीजन नए नए लोड आउट भी तो बना दे देते हैं हम। हर सीजन फिर नए नए लोड आउट कौन बनाए उतना। BR प्लीज। थोड़ा बना दे जा ओहो सर। सर सर मार्क्समैन
ना बीआर खेलेंगे यार, मार्क्स में खेल ले हमारे यार, डार मार्क्स सर। यार यार मार्क्स में आई खेल ले, वांट टू खेल प्ले लो बीआर विथ बीआर बोल रहा यू। था तो बीआर खेल लो। अरे वो फैन है आपके, आपके साथ बीआर खेलना चाहते हैं। अरे आपको बोल रहे हैं हमें बीआर मतलब भालू। बैठे रहे हो, आपकी बोल हमें रहे हो आप, ये आपके फैन है, रूम में फुल स्पॉट करो उसको। हाँ क्या चालू करो, जय श्री राम, जय श्री राम, क्या मतलब है जल्दी कि करो, टाइम कम है मेरे पास। अच्छा टाइम कम है तो इसका क्या मतलब कि डार्क साइड अपने सीओडीएम वाले जीएफ को बुलाएंगे स्क्वाड फिल करने के लिए? नहीं बुलाएंगे वो, चालू करो ना यार, नहीं बुलाएंगे? चलो ठीक है फिर वो तो चालू कर वो देते है, हैं। एकदम खा गए तो आ गए। ये डार्क सर ने बुला लिया तो क्रांता सर उधर से पिक्सल ने आपको भेजा है ना कि जाओ एडस को इनविटेशन दे के आओ एनएसएम खेलने के लिए और फिर हम मैचिंग करेंगे एनएमी टीम में, अपोनेंट एज अपोनेंट है ना। जॉर्डन सर ऑनलाइन थे, हमें कौन बताएगा, आप ही तो बताओगे, और अरे तो कौन बताएगा, हम क्यों बताएंगे, हमको बोल रहे जॉर्डन हैं आप। ऑनलाइन नहीं है कौन है जॉर्डन नहीं हम कुछ? डार्क को बोल रहे हैं, डार्क लग रहे हैं ये। अरे जॉर्डन सर यूट्यूबर ना, भूल गए क्या? अरे हाँ भैया तो आ कर गए, दिए पूरा तो कर दिए। हाई हमें सारा। और ये संकु ड्रैगन को मैंने बुलाया है, ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में था, तो मैं सोचा इनवाइट डाल दूँ, उठा लिया उसने, एक्सेप्ट कर लिया। हमें ओके क्या पता था इतने बड़े फैन निकलेंगे आपके। वेलकम टू बैटल रॉयल द कौन मैच, फैन है डार्क सर? हमने बोला संकु ड्रैगन, मैंने उन्हें बोला इधर सर स्ट्रीम में, ऐसे उठाकर आए भाग के, मत अरे पूछो। अरे मिला तो सही मौका। यही तो होता है सर, रैंडम नहीं है वो, पहली बात तो इनवाइटेड है वो भी, उन्हें रैंडम मत बोले ऐसे। उन्हें फॉलो मत करना अपन, अपन कहाँ करना है रुको, आयरस पर गए, आयरस पर रुकना मैं भी आ रहा हूँ। फैन है ये आपके? मैं भी आ गया, बस मैं भी आ गया, मैं भी आ गया, मैं भी आ गया। अरे रुको नहीं, अब आ गए हो यार, एनमी आया हुआ छत पे। अब जाओ, अब जाओ, तुम जाओगे, आप भी मरोगे अभी तो, मेरे को फटाफट जान देनी पड़ेगी। क्या मतलब आयरस मारने वाले हैं, क्या मतलब आयरस मारने वाले हैं? ओ उल्टा ही हो गया। नहीं सर आपने सही सोचा था, आपके जैसे टीममेट मिले तो फिर अपोनेंट की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम ही नहीं बता रहे अभी आपको। अरे क्या रे, डार्क सर किधर गए, डार्क सर किधर हो आप? एक तो एक किसको बुला के ले आए हो, कौन से महान प्लेयर को, क्यों फैन आखिर है वो, क्यों आपके ही फैन फैन है है? वो डार्क सर किधर हो, जल्दी आओ। नहीं आएंगे वो, क्यों आएंगे? मत आना डार्क, आप खेलो अपना, मत आना, अच्छा नहीं आएंगे, ठीक बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आना डार्क। हम तो कह रहे हैं, हम तो लेफ्ट करके जा रहे हैं, हम तो खेलेंगे अभी सोलो जाओ, वी एस स्क्वाड। अकेले जाओ, जाओ जाओ, हाँ तो नहीं जा ही खेलना रहे, मेरे साथ तो डायरेक्ट बोल दिया करो मुंह पे, नहीं तो जा ही रहे हैं तो और क्या। हाँ तो नहीं खेलना रहता तो डायरेक्ट बोल दिया करो मुंह पे, मेरे टाइम क्यों वेस्ट करते हो? हाँ तो सामने ही तो बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं, नहीं खेलेंगे। नी वॉकिंग एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा करने दो, देखो ना निकल के भाग गए हैं कहाँ, डार्क पे भरोसा नहीं उनको कि डार्क बचाएंगे।
सर जाने वाले को कौन ही रोक सका है, सीधे सीधे बोलो ना कि आपकी जीएफ आ गई ऑनलाइन तो उसके साथ खेलने के लिए जाओगे, बातें क्यों बना रहे हो। हाँ हाँ टाटा। देख रहे हो एमी सर लड़की का चक्कर। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है इनका। हेलो डार्क पे ही कुत्ता छोड़ दिया गया, डार्क सब पे छोड़ते हैं, डार्क पे ही छोड़ दिया है। अरे कहाँ चढ़ा दिए उसको। एक और है डार्क, एक और है, कोई आ रहा है। ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है। भागो डार्क भागो, भाग डार्क भाग, भाग मिल्खा भाग के जगह भाग डार्क भाग हो गया। आई थिंक स्टैंडर्ड को पहले से पता था कि डार्क से नहीं हो पाएगा। निकल लिए अपना। क्या बात। अरे स्टनर सर नहीं आएंगे अभी, स्टनर सर की अभी चैटिंग चल रही है। हेलो सेंकू कौन हो, ऐसा कुछ ऑन करो। सॉरी सर थोड़ा। हेलो। हाँ हेलो हेलो। हाँ आवाज सुनाई दे रही है। हाँ दे रही है। हाँ सॉरी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए आपको रिवाइव कर नहीं पाए। छोटे स्टनर की कसम। वाओ अरे अरे गर्म पानी पिया करो, सब ठीक होगा। शंकु सर कहाँ से हो आप।
हम तो वेस्ट बंगाल से, आप कहाँ से? पटना, डू यू नो पटना? पटना? हाँ पटना। ए देखो ये कुछ ज्यादा हो रहा है, स्टैंडर्ड इनवाइट कर दिया मैंने, अब ज्यादा नौटंकी ना ही करो तो अच्छा है। आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, लेकिन बता दो कि आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। वाक पे जा रहा है मैं। हाँ बड़े लोग बड़ी बातें। डाक रेडी करो, 11 बजने वाले हैं। आपको पता है 11 के बाद क्या होता है, आई मीन 11 के आसपास। जल्दी रेडी करो जल्दी। गरीब चलता है दो रोटी कमाने को और अमीर चलते हैं दो रोटी पचाने को। अरे और एक और सुनो, यही नहीं आगे भी सुनो। दुनिया इतनी आलसी हो गई है ना कि 10-15 मिनट टहल लेने को एक्सरसाइज समझते लोग, कि व्यायाम करना हो गया। वन आवर की वॉक, 1 आवर की वॉक तो ऐसे कर जाते लोग, गांव में कभी जाके देखो। वन आवर की वॉक करेंगे, देख रहे हो? यार मैं लैंड करने वाला था, फिर मैंने देखा कि डार्क सर को फॉलो कर रहा। डार्क सर चलो ना प्रैक्टिस रेंज प्रैक्टिस करेंगे। क्या मतलब है डार्क फार्म में जाएंगे? क्रांता सर, तब से हमने आपसे कितने सारे बातें पूछी, जाते हो तो बता के जाया करो ना कि मैं जा रहा हूँ, हमें बोलना नहीं पड़ेगा फिर। क्या मतलब है डार्क सर फालतू जगह पे लैंड करवा दिए? ए 4 नंबर, जगह तो सही लग रहा है। सारी चीजें, सारी चीजें मत लेना, नहीं तो आयरस सर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वो सुनेगा आपके बाद। हाँ क्यों नहीं सुनेगा, सब सुनेगा। आपको तो एरस नहीं सर, लगता? एरस सर बहुत फेमस है। ऊपर चलिए एरस सर, उड़ने जाना था। ओके ओके, अरे रुको मेरा वो छूट गया, एक ले के आता हूँ मैं। तो सर क्रांता सर हो अभी या फिर से निकल लिए? यार इस बार तो मैंने कहा था बता के जाने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे यार किधर था? किधर हो डार्क? का फो कितने नंबर हो? 1 नंबर हो। 1 नंबर किधर है मुझे दिख ही नहीं रहा मैप पे। अच्छा इधर है, चलो हम लोग इधर है, इधर पर।
हाँ आ रहे हैं यहाँ तीन, वो मैप काम नहीं करता है। आपसे ढके हुए थे ना वो, देख लिया हमने। हाँ चार नंबर साथ में रहो, नहीं तो ज्यादा उड़ने के चक्कर में उड़ा दिए जाओगे। फिर रिवाइव करते करते अब लोग भी उड़ जाते हैं। हाँ वही तो, हमारे पास स्केट भी नहीं है और स्केट में पहले जैसी पावर भी नहीं है। तो सर क्रांता सर पूछना ये था अरे ओए रुक जा ओए, मुझे छोड़ कहाँ जा रहा है? अरे सर जिंदा हो वो तो पता है, जिंदा हो इधर सामने एक एनिमी दिखा है, देखता है इसे नॉक डाउन कर पाऊं कि नहीं। अरे यार हम ऊपर आ गए इस पे, आप हेली लेके किधर हो? बदन पे सितारे लपेटे हुए जाने तमन्ना किधर। अरे कौन है ए नुबड़ा, कौन है जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। अरे रुको छोटे डार्क, मुझे कुछ मिला है। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो में ही नहीं आ रहा। जाने अरे जाने तमन्ना तो कोई है ही नहीं। अच्छा वो गाड़ी वाला मर गया, आपने बोला ना वो गाड़ी वाला, तो मुझे लगा कि आप गा रहे हो कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ए डार्क नीचे करो नीचे करो नीचे करो। अरे 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 डार्क पागल हो गए हैं, डार्क हैव गोन मैड यार। अरे क्या कर रहे हो? हाँ सर हमें लगा आप चले जाते हो ना, तो फिर हमने सोचा कि बोलना कोई ऐसा रहेगा नहीं। अरे डार्क सर यही तो मैंने कॉम्पिटिटिव में कर दिया था एक बार कि उसको ना मैंने हेली को लैंड करवाया ऊपर टावर पे और सोचा कि मैं ईडी ले लेता हूँ, पता चला हेली उड़ गया फट गया मैं भी गया। हाँ तो सर पूछना ये था कि आप एनएसएम की स्ट्रीम देखने के लिए चाहते हो या फिर आप लोगों को ऐसे अपोनेंट में आके खेलना है सेम टाइम पे मैचिंग करके? चाइना का हेली नहीं था, पायलट ही ट्रेंड नहीं था हमारा, अनट्रेंड पायलट। अभी के सिचुएशन में हाँ हाँ बैठ रहे बैठ रहे। गाड़ी को इधर का ही छोड़ दिया डार्क यार, यहाँ पे लो ना स्टैंड ऑफ में चिप अपग्रेड करते हैं। डार्क सो चिप अपग्रेड पे चलो। अरे डरते क्यों हो डार्क सर, डरने की क्या बात है जब वायरस आपके साथ है। डा कॉपी पता है क्या, किसी समय में ना चिप अपग्रेड ना एक एक करके खोलना पड़ता था, जितने प्लेयर रहते थे उतने खोलो।
अरे रुक जाओ डार्क, डेट मीन्स आप भी काफी पुराने प्लेयर हो है ना। डार्क किधर लाए हो, चलो आज इसको मार देंगे। अरे वो हमारा वाला था। डार को मेरा शिकार है, छोड़ो। अरे नहीं सर, इफेक्टो सर करते हैं ना, इसके लिए मैंने पूछा। मैं ये थोड़ी कह रहा कि आप नहीं करो, आपका मन है करो, कोई इशू नहीं है। मार डाला, हाय। डार्क का कुत्ता ओपी बोलते। अरे देखो देखो, कूदा कूदा, मारो मारो मारो, बाद में लगाना हो, भाग गया हो। अरे अरे अरे, कौन है जिसने मेरे प्यारे डार्क को टच किया? मारो मारो मारो, गया हो, भाग गया। अरे अरे, your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. अरे सर, NSM लाइव कभी कभी देखते हो अच्छा लगता है, बट कभी कभी देखते हो यही तो दिक्कत है। जो भी आपके कंटेंट क्रिएटर है फेवरेट, उनको जब तक आप लोग ऐसे सपोर्ट नहीं करोगे सच्चे मन से, तब तक कैसे होगा? जब नहीं हो तब आप पुराने लाइव स्ट्रीम्स देख लिया करो, गेम प्लेज वीडियोज है कुछ वो देख लिया करो। गेम्स भी तो बढ़ गए ना सर, काफी गेम्स बढ़ गए। BGMI का भी सुनने में आ रहा है जनवरी फरवरी तक कमबैक करेगा, फिर अपने भी कंट्री से दो गेम बढ़ जाएंगे, फिर तीन गेम अभी ही हो चुके हैं। देखो कोई एक छोड़ना पड़ा तो आई थिंक एपेक्स छोड़ेंगे। वाह वाह डार्क सर, वाह। चलो स्कैन कर दो जल्दी जल्दी। Your teammate has scanned your dog tag. Wait for the revive. डार्क द सेवियर, वाओ मजा ही आ गया। ओपी बोलते हैं। क्रांता सर पता है कि आप ना कितने बारी आए ना, अरे सर आप कंटेंट में कुछ और ट्राई करो यार, आप मेहनत इतनी करते हो बट व्यूज इतना पे रह जाता है। BGMI को छोड़ दें, एपेक्स ठीक है। अरे नवीन जी का मुश्किल है तो निकलो ना, क्या कर रहे हो? मुश्किल है तो मुश्किल को छोड़ो, आप निकलो इधर से, पीछे ही पड़े हैं वो, मारेंगे बहुत मारेंगे आपको, नहीं तो भाग जाओ। NSM ग्रो होगा अच्छा तो NSM का करे, एपेक्स को भी छोड़े है ना।
एक कुल्हाड़ी मत लिया करो, स्पीड स्लो कर देता है रनिंग की। हाँ सर ध्यान देंगे। चलो डार्क को देखते हैं आराम से। बट सर एनएसएम में टीम नहीं है ना सर मेरे पास। हम तो जिन्हें टीम में रखना चाहे वो किसी और ही जगह चले गए, कोई और ही टीम में। अरे सर तो हम कौन सा ऐसे प्रॉपर पोजीशन में बैठ के खेल लें, हम तो ऐसे सो के खेल लें। खूब बढ़िया कंबल उम्बल ओढ़े हुए हैं बेड में, आराम से सो के खेल लें। मैं भी ना एक बार बीजीएमआई खेल रहा था ऐसे खाना खाते खाते, और पूरी स्क्वाड एक खत्म कर दिया था। क्या करे सर ठंड है सर। थोड़े ऐसे कंबल का भी असर लेना पड़ता है, नहीं ले पता चले फिर कल तबीयत बिगड़ गई। यार अजीब है यार, इंडिया में ना नए कंटेंट क्रिएटर को जल्दी सपोर्ट ही नहीं मिलता। हाँ आपका नाम बन जाए उसके बाद देखो कितने सपोर्ट आते हैं। अभी आप लोग कंपटीटिव में नाम बना के आओ, उसके बाद फिर देखो सब। चैट्स तो चल रहे हैं ना। ये क्या है, इतने को आए बस 8 लाइक्स पे। अजीब है यार, लोग लाइक क्यों नहीं करते स्ट्रीम। डार्क सर भी लाइक, बहुत अच्छा किया जो आपने व्हीकल यहाँ पे छोड़ा। स्कैन कर दो सर, मैं जाता हूँ ना जब आप लोगों का कंटेंट देखने, तो यही मुझे लगता है कि आता ही नहीं, आता ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, मेहनत हर कोई करता है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए लोगों को। देखो आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कहाँ तक ही एक क्रिएटर कहाँ तक ही खुद पे ऐसे जोर लगाते बैठा फिरेगा कि नहीं करना ही है करना ही है। एक टाइम के बाद खुद ब खुद वो अलग हो ही जाएगा कि नहीं अब नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डार्क सर आपको किसने मार दिया? गुड नाइट सर, हैव स्वीट ड्रीम्स। वैसे क्रांता सर एक बात बताएं, आप ना जब मैचिंग हुए थे ना तो ऐसे हमें पता भी नहीं था। मैंने तो मतलब आपसे फाइट हुई उसके बाद भी नहीं पता चला कि मैंने क्रांता सर को ऐसे मारा है, आपने ही आके बताया।
पबजी, पबजी का सर कुछ नहीं हो सकता। फिर जब पता चला कि ऐसे मैचिंग हो सकता है ना, उसके बाद से मैं थोड़ा सा देखने लगा किल फील्ड वगैरह। इतने सारे रूप बनाए इसने, फिर भी इसे नॉक कर दिया। थोड़ा और प्रॉपर पोजीशन पे खेल रहा होता ना सर। पैरो टोपी सर पबजी नहीं सर, वार्जुन मोबाइल ट्राई नहीं किया सर। देखो एनएसएम ही अभी इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, इतना दिन आया हो गया, सीओडीएम के इतना ऑप्टिमाइजेशन नहीं उसका, तो फिर वार्जुन का भी क्या ही। आने दो प्रॉपर इंडिया में, लॉन्च होने दो प्ले स्टोर पे, इंडिया के लिए भी आने दो सर्वर वगैरह, उसके बाद डिवाइस अगर सपोर्ट किया तो खेलेंगे उसे भी। क्योंकि अब क्या है ना, 60 FPS से नीचे लगता ही नहीं, मतलब कि ऐसा लगता है ना कि गेम अजीब तरीके से चल रहा है। हाँ सर, ये बात तो सही कही आपने। एनएसएम खेलेंगे सर, पबजी का कोई सीन नहीं है। चलो इस बंदे का ले लेते हैं। ओके सर, मिलते हैं अगली स्ट्रीम पे, तब तक के लिए टाटा।